चलिए आज सैर करवाती हूँ चटपटी चाट वाली गली में। चाट की बात हो तो सबसे पहला नाम आता है चटपटा आलू टिक्की चाट या रगड़ा पैटी, जिसे मटर की घुगनी चाट भी कहते हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनीषाज फूड स्टूडियो। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ ठेले से भी चटपटी, बहुत ही चटपटी चाट, जिसे हम लोग रगड़ा पैटीज भी कहते हैं और बंगाली में बोले तो मटरेर घुगनी, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो चलिए बनाते हैं। मटर की चाट बनाने के लिए जो पहला स्टेप है वो है मटर को भिगोना। ये देखिए, ये मैंने पीले वाला जो सूखा मटर आता है वो लिया है और इसे अच्छी तरह से मैं धो दे रही हूँ, और धोकर इसे पानी चेंज करके फिर इसके बाद मैं इसे 7-8 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए, मैंने 7-8 घंटे के लिए छोड़ दिया, और ये देखिए 8 घंटे के बाद हमारी मटर फूल कर बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई। मुझे शाम को बनाना है तो मैंने दिन को 10 बजे इसे भिगो दिया था। तो चलिए अब इसे बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करने के लिए प्रेशर कुकर इज़ बेस्ट। प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दी, और साथ में थोड़ी सी तेज पत्ता भी डाल दी मैंने, बस। चलिए तो अब इसे चढ़ा देते हैं उबलने, और जब तक ये उबलता है हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। बाकी तैयारी देखिए, ये मैंने ली है लेमन साइज़ की बॉल है इमली की, जो आज के लिए काफ़ी होगा, और साथ में कुछ चीज़ें हैं, देखिए प्याज है, धनिया की पत्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहला काम करना है हमें इमली को भिगोना है। तो सबसे पहले मैं इमली भिगो दे रही हूँ 1/2 घंटे के लिए, उसके बाद ये कटिंग कर लूँगी। ये प्याज की मैं कटिंग कर रही हूँ, प्याज थोड़े से लंबे काटने हैं ताकि ये चाट के ऊपर अच्छी तरह से जाएं, स्वाद बहुत अच्छा से बढ़ा दे। और इसके बाद देखिए, इस तरह से खोल कर दिखा रही हूँ, ये लंबे लच्छेदार कटे प्याज चाट के ऊपर बहुत ही अच्छे सजते हैं। ये देखिए, ये मेरी प्याज की कटिंग हो गई, और इसके बाद मैं काट रही हूँ मिर्चें। ये मिर्चें हरी, लाल मिर्चें तो पड़ेंगी, लेकिन हरी मिर्चों का अपना ही स्वाद होता है। इसके बाद ये देखिए, इस तरह से कटिंग हो गई। इसके बाद मैं काट ले रही हूँ हरी धनिया। हरी धनिया के बाद ये मैं काट ले रही हूँ अदरक। अदरक का भी बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही फ्रेश सा स्वाद आता है। देखिए अब सारी हमारी कटिंग हो गई, देखिए पूरी। अब इसके बाद कुछ मसाले बनाएंगे। तो मसालों के लिए देखिए, सबसे पहले पैन गरम करके और उसमें 2 चम्मच जीरे डाल दें, और ज़ीरा को अच्छी तरह से लाल करके और इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। ये देखिए प्लेट में मैं निकाल रही हूँ, इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसे थोड़े से कूट कर दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। बहुत महीन पाउडर ना बनाएं, दरदरा ही रखें तो स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए, इस तरह से दरदरे से कूटे से जीरे का पाउडर रेडी हो गया, भुने जीरे का पाउडर। ये देखिए, ये है भुने जीरे का पाउडर बिल्कुल तैयार दरदरा सा। इसके बाद ये हमारी सोक्ड इमली है, जिसे मैंने 1/2 घंटे पहले भिगोया था। इसे मैं हाथों से मसल कर पल्प को रेडी कर लूँगी और इसे 2 भागों में बांट दूँगी। ये देखिए, मैंने इसे 2 भागों में बांट दिया है। एक की मैं बनाऊँगी खट्टी चटनी और एक की बनाऊँगी मैं मीठी चटनी। तो देखिए, एक हटा दे रही हूँ और उसके बाद एक है, अब इसकी बनेगी इंस्टेंट मीठी चटनी, जो कि चाट में बहुत अच्छी लगती है। इसके बिना तो बिल्कुल चाट हो ही नहीं सकती। तो देखिए, ये एक एक करके सारे मसाले मैं मिला रही हूँ। ये देखिए, भुने जीरे का पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च, और ये है चीनी। ये देखिए, मैं डाल रही हूँ चीनी। चीनी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखें, क्योंकि इमली बहुत खट्टी होती है, तो उसे बैलेंस करते हैं। तो ये देखिए, ये खट्टी मीठी तीखी चटनी बिल्कुल तैयार। ये देखिए, ये है इंस्टेंट इमली की चटनी, बिल्कुल रेडी। बहुत ही अच्छी चटनी है, आप किसी भी तरह के चाट में या ढोकले में इसको आराम से बनाकर खा सकते हैं। तो देखिए, हमारी 2 तरह की चटनी हो गई तैयार, एक खट्टी चटनी और एक मीठी। चलिए अब बनाते हैं आलू टिक्की। आलू टिक्की बनाने के लिए मैंने लिया है देखिए बॉइल्ड, बहुत ही अच्छे से उबला हुआ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ना उबालें, तो थोड़े से हार्ड ही हैं। तो देखिए, इस तरह से इसे मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ये देखिए, ये सारे मैंने मैश कर लिए हैं, और अब मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा नमक, बस। इसमें और मैं मसाले नहीं डालती हूँ, आप कुछ और मसाले जैसे डाल सकते हैं, भुने जीरे वगैरह, लेकिन बिना डाले भी बहुत अच्छी टिक्कियाँ बनती हैं। इसमें मैं देखिए अरारोट वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बिल्कुल आलू की टिक्की बनेगी। बस ये बगल में मैंने देखा थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर रखा है, बस इसको लपेटने के लिए, देखिए इस तरह से। अब इसे हाथों से गोल गोल करके बिल्कुल कबाब की तरह से लपेट कर, और इसकी हम टिक्कियाँ बना लेंगे। तो देखिए, ये मैं बना रही हूँ टिक्कियाँ, ये देखिए, बस थोड़ी बड़ी बड़ी ही रखें, क्योंकि एक प्लेट के ऊपर एक टिक्की का चाट बहुत ही अच्छा जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से ये जा रही है हमारी दूसरी टिक्की। ये देखिए, ये बन गई हमारी दूसरी टिक्की भी बिल्कुल तैयार है। और इसी तरह करके देखिए, इसी तरह करके मैंने देखिए सारी टिक्कियाँ बनाकर रख ली हैं।
ये देखिए वन बाय वन मैंने सारी बना कर रख ली हैं। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए फिर से पैन चढ़ाया और थोड़ा सा तेल डाला, और इसके बाद मैं तेल को गर्म होने के बाद मैं इसमें टिक्कियाँ छोड़ दूँगी। ये मैं उसमें छोड़ रही हूँ टिक्कियाँ, देखिए देखिए एक एक करके सारी टिक्कियाँ मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा ना डालें, जितना आपका पैन हो उतना ही डालें। मेरा पैन बड़ा है तो मेरी सारी टिक्कियाँ देखिए आ गई हैं। अब टिक्कियों को हमें दोनों तरफ से लाल होने के लिए सेकना है, लेकिन इसमें एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि टिक्कियों को तुरंत ना पलटें, उसे लाल होने का टाइम दें। देखिए 10 मिनट के बाद मेरी टिक्की एक तरफ से देखिए कितनी सुंदर सुनहरी लाल हो गई है, ये देखो ये देखो। अब दूसरी तरफ से भी ये, अभी से 10 मिनट का टाइम देना है दूसरी तरफ से लाल होने के लिए। अब देखिए 10 मिनट के बाद ये देखो, ये 10-10 यानी आपको 15 मिनट लग जाएंगे। दूसरी तरफ से भी कितनी अच्छी तरह लाल हो गई है ना। हाँ चलिए अब इसे एक एक करके हम निकाल लेते हैं। ये देखिए क्रिस्पी करारी टिक्की हमारी है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब बनाते हैं चाट, अब तो है असली चाट की बारी। चलिए अब बनाते हैं हम मटर और आलू टिक्की की चाट यानी मटरेर घुघनी। ये देखिए ये है हमारा मटर तैयार। ये उबालने में मुझे 3 से 4 सीटियाँ लगी, कभी कभी 3 में हो जाती है, मैंने आज 4 सीटी लगाई है। कुछ मटर देखिए गले हैं, कुछ मटर बिल्कुल ही साबुत हैं, इसी तरह का हमें चाहिए। ये देखिए ये मटर को मैंने निकाल लिया बोल में, ये देखो कितनी सुंदर, वाह क्या ही सुंदर पीला पीला रंग आया है ना, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। चलिए अब देखिए सारी चीज़ें मैंने सजा ली, ये है असेंबली टाइम। ये मैंने दिखाया हमारी उबली हुई मटर है, थोड़ी सी नमक हल्दी डालकर, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है क्योंकि मसाले तो ऊपर से पड़ेंगे ना चाट में। ये देखिए मैं कैमरा घुमा के दिखाती हूँ, सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। टिक्की है, मसाले हैं, चटनी है, कटे हुए प्याज, धनिया, मिर्ची। ये देखिए इस पार्ट को बहुत ही आपको ध्यान से देखना है। एक रखी मैंने टिक्की, टिक्की को मैंने थोड़ा सा काट दिया ताकि इसमें मसाले पकड़ेंगे ना। ये देखिए उसके ऊपर ये रगड़ा डाला यानी कि मटर डाली। ये देखिए मटर का, बहुत ही ज़्यादा मटर को गाढ़ा ना रखें, बहुत ही ज़्यादा थिक ना रखें, थोड़ा थिन ही रखें उसकी ग्रेवी को। देखिए अब मैं डाल रही हूँ इमली की ये मीठी वाली चटनी जो मैंने अभी बनाई ना। अब एक एक करके आपको सारी चीज़ें डालनी है। ये खट्टी वाली चटनी है, देखिए मैं सारी चीज़ें एकदम ध्यान से दिखा रही हूँ। ये मैंने डाला चाट मसाला, ये मैंने डाला भूले जीने का पाउडर, ये मैंने डाला काला नमक, ये लाल मिर्च का पाउडर, और उसके बाद है ये प्याज के लच्छे जो मैंने अभी अभी बनाए। उसके बाद देखिए ये गई हमारी मिर्चें, उसके बाद ये हरी धनिया, उसके बाद है ये फेटा हुआ दही, इसके बिना तो बिल्कुल चाट अधूरी रहेगी आपकी। ये देखिए, और इसके बाद है मेन चीज़ जो इसे क्रंच देगा यानी खट्टा मीठा तीखा और क्रंची, और वो है ये सेव। सेव के बाद आप इसमें कॉर्नफ्लेक्स भी डाल सकते हैं, उसके बाद फिर अनार के दाने भी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप अपनी मन मर्जी की डाल सकते हैं। तो चलिए एक बाइट लें कैसी बनी है हमारी चाट। ये लो जी एकदम करीब से दिखाती हूँ, देखिए ये आई हमारी चम्मच पे एक बाइट, वाओ। अब देखिए बताइए कैसी बनी है मेरी चाट, बनी है ना अच्छी। तो चलिए मुझे कमेंट करके बताइए, आप भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ बनाइए और बताइए आपको कैसी लगी चाट। थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।